इस लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए ओनली फॉर यू चैनल को और दबा दीजिए इस बेल को ताकि हर न्यूज पहुंच सके सबसे पहले आप तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भारत और आप देख रहे हैं आपका अपना ओनली फॉर यू चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने आ गया हूं। यहां पर दोस्तों हो रहे हैं मेरे साथ कुछ नेगेटिव कमेंट्स कि भाई ये एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है। अभी रिसेंटली दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि भाई आप एरोप्लेन मोड में डेटा कैसे चला सकते हैं, ठीक है, मोबाइल से डेटा कैसे चला सकते हैं जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों उसमें जो कोड है वो है *#*#4636*#*#। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कोड है ये कुछ कंपनियों के मोबाइल में जैसे कि सैमसंग, MI एंड ओप्पो, तो ऐसे फोन्स में जो है दोस्तों ये जो कोड है पर्टिकुलरली काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप फिर भी चाहते हैं कि हर तरह का कोड आपके मोबाइल में एज इट इज काम करे जैसा कि दूसरे मोबाइल में करता है तो आपको आपका मोबाइल रूट करवाना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रूट क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो। दोस्तों नॉर्मली होता यह है कि जैसे ही हम कोई भी मोबाइल परचेज करते हैं मार्केट से तो दोस्तों मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो कुछ फैसिलिटीज आपको देते हैं मोबाइल में, साथ ही साथ कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं उन मोबाइल में, ठीक है। जैसे कि कुछ ऑप्शंस होते हैं, आप अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई मैंने जो एप्लीकेशन अपने अंदर इंस्टॉल करके रखा है इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो एप्लीकेशन आप में भी चले। अब मेरे अंदर है एंड्रॉइड नॉगट, ठीक है, अगर आपके पास एंड्रॉइड किटकैट है तो वहां पे हो सकता है आपको ये मैसेज आ जाए कि दिस ऐप इज नॉट कॉम्पेटिबल फॉर योर डिवाइस, ठीक है। तो यहां पर दो सेम एप्लीकेशन है, एक मोबाइल में सपोर्ट कर रहा है और दूसरे मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये सेम चीज जो है कोड के मामले में भी हो सकती है, ठीक है। जो कोड मेरे में काम कर रहा है वो कोड आप में काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहां पर जो है फेक जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए जो है मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं। यहां पर दोस्तों जो चीज मेरे अंदर काम करती है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मैं हर मोबाइल में चेक करके देखूं कि ये कोड चल रहा है या फिर नहीं। जनरली मेरे पास में है दोस्तों लिनोवो, मेरे घर में सबके पास में लिनोवो के फोन है और MI का कोई भी डिवाइस नहीं है कि मैं उस पर चेक करता कि भाई उस पर काम कर रहा है या फिर नहीं। उसके अलावा एक और दोस्तों मैं आपको बात बता दूं कि एप्लीकेशन में जो है अपडेट्स होते रहते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि मेरे अंदर एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है, दूसरे मोबाइल में अगर वो अपडेट करता है पर वो अच्छी तरह से काम नहीं करता है। दोस्तों इसका रीजन ये है कि जो भी अपडेशन होता है, जो भी अपडेट होते हैं मोबाइल में वो लेटेस्ट वर्जन को ध्यान में रख के होते हैं, ठीक है। जैसे कि मार्समेलो, एंड्रॉइड नॉगट और एंड्रॉइड ओरियो मार्केट में बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों अभी आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट वर्जन की कैटेगरी में एक तरह से आते हैं, ठीक है। हालांकि अभी मेरे अंदर एंड्रॉइड नॉगट है और इसका जो एडवांस वर्जन है एंड्रॉइड ओरियो, जो कि थोड़े टाइम के बाद इसका अपडेट शायद लिनोवो में आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर बात यह होती है कि अगर किसी के पास किटकैट जेलीबीन ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मोबाइल है तो वहां पर ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि वो ऐप उसमें सपोर्ट करे, ठीक है। अगर आप में सपोर्ट करती भी है तब भी आप कई बार ये मैसेज देखते हैं कि भाई ये ऐप क्लोज हो गई है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली क्लोज हो जाती है एप्लीकेशन ही। तो यहां पर दोस्तों ये सारे फैक्टर्स होते हैं, तो कुछ लिमिटेशंस है एंड्रॉइड मोबाइल के। अगर आप इन सारे लिमिटेशंस को दूर करना चाहते हैं तो एक ही सॉल्यूशन है, आप अपना मोबाइल रूट करवा लीजिए, उसके बाद में जो है आपके 80% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं और किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। चाहे आप कोई इफेक्ट्स की बात ले लो या फिर वीडियो एडिटिंग की बात ले लो या फिर अगर आपको कुछ और सीखना है तो आप मुझसे बेझिझक कह सकते हैं कमेंट में, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियोस जो है उनसे रिलेटेड बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।